तो चलें फिर आज हम बनाएं। तो जरा पहले आंटी वो जो आपको गिफ्ट मिला है मुर्गियों का वो किधर है? वो चल अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, मेरी आंटी जुनैरा हैं और इनका निक नेम जो है वो गुड्डी है और ये हमारी प्यारी सी गुड्डी भी रेसिपीज बहुत अच्छी बनाती हैं। और आंटी जी, 9-10 मुहर्रम को जो आप टिकियां बनाती हैं, आज मैं आपसे उसकी रेसिपी लेने के लिए आई हूँ और हम जो हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जो हैं वो रेसिपी मेरे साथ बनाएँ, तो उसके बारे में कुछ बताएँ आप कैसे बनाती हैं। वो ऐसे मतलब मैदा ले लिया, अखरोट ले लिए, बादाम ले लिए, काजू ले लिया, अच्छा, वो दूसरा मतलब ले लिया, सब कुछ लेके उसको बारीक पीस ले। अच्छा। बारीक पीस के उसके बाद मैदा ले लिया, मैदे में थोड़ा सा दूध डाल के, अच्छा, तो हल्की सी सूजी अगर। चले हम तो क्यों ना आज हम अपने जो YouTube फैमिली है उसके साथ आपकी रेसिपी शेयर की जाए। हाँ, बनाते हैं हम फिर। बाकी हल्का सा बेकिंग सोडा डाल दिया, नरम हो जाएंगे। अच्छा, बाद उनको चाहे आप डालडा में बना लें, चाहे आप देसी में बना लें, तो ज्यादा अच्छी मतलब मजे की जो बनती है ना वो देसी में। अच्छा, सही। तो चलें फिर आज हम बनाएं। हाँ, बनाएं। तो जरा पहले आंटी वो जो आपको गिफ्ट मिला है मुर्गियों का वो किधर है? वो चल पड़ा है। इसका नाम रीटा है। अच्छा, इसका नाम रीटा है। आज वैसे हमारे यहाँ काफी बारिश हो गई है ना। हाँ, वो दो मुझे मुर्गियाँ जो है ना। अच्छा, ये मुझे किसी ने पेड़ गिफ्ट किया है। अच्छा, तो सही। ये सारी मुर्गे जो है ना, ये मैंने अपने रखे हुए हैं। अच्छा, तो उसके बाद आंटी काफी प्यारी मुर्गियां है ना। हाँ, ये वाली। हाँ, माशाल्लाह काफी अच्छी हैं। अंडे वगैरह देती हैं? कोई नहीं, अभी तो अब आई हैं। अच्छा, अभी आई हैं। तो अब आई हैं। सही। तो उसके बाद हमारा डॉग सिस्टम है। तो बाकी ये लाउन सिस्टम है, थोड़ा बारिश की वजह से ये पड़ा है। अच्छा आंटी, वो जो आप तेज पात जो है, कड़ी पत्ता, वो उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा पौधा है आपका? चले माशाल्लाह, ये मेरी आंटी जो है ना जुनैरा, बहुत ही जबरदस्त कुकिंग करती हैं और अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये मेरा वो है। ये आंटी कौन सा दरख्त है? अंजीर का। अच्छा, ये अंजीर है। वजह से ना जरा खराब हुआ। सही। और ये अमरूद है। अच्छा, कैसे फिर अभी तक फल नहीं लगा इनको? अच्छा, कड़ी पत्ता। अच्छा, यहाँ से कड़ी में डालती हैं आप कड़ी पत्ते? फिर ये मेरा अमरूद आ गया। अच्छा, उसके बाद नाटी फेवरेट कौन सा है? ये दोनों एक जैसे, ये टाइगर है। अच्छा, और ये मेरी मैगी है। अगर कहें तो मैं बाहर दिखा दूँ आपको। भाई एक शर्त है, काटे ना। नहीं काटते हैं, ये ना हो कि मैं वीडियो बजाने के जख्मी हो के घर वापस चली जाऊँ। अच्छा ये हमारा हसीब। हाँ माशाल्लाह अल्लाह पाक का बाद रखे। ये जो है ना आपकी क्या पोती? अच्छा, वो मेरी पोती है, किधर मेरी बहू। चले आंटी ने ना उनको थोड़ा सा फ्रेश किया है और जनाब जी फ्रेशमेंट के बाद वो वापस अपने घर चले गए। आंटी काफी अटैच है आपके साथ है ना? काफी अटैच है आपके साथ। अच्छा, खाना शाना आप ही डालती हैं फिर? मैं डालती हूँ या वो डालता है? तो वो मेरी बहू है, वो मेरी पोती है, एक मेरी बहू वो है, एक वो मेरी पोती है।
हाँ अल्लाह पाक खुश रखे और आबाद रखे। अच्छा अच्छा ये हमारा पूरा घर है। अच्छा अच्छा वैसे गांव में आपने डबल सिस्टम रखा हुआ है ना। सही सही। चले हम जरा ना आंटी के साथ आंटी का घर जो है अंदर की साइड जो है ना वो देखते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा 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 लाउंज। अच्छा सही सही। लाइट ऑन करें। अच्छा सही लाइट ऑन होगी जनाब। तो मैं आपको दिखाती हूँ आंटी ने ना अपना जो है। अच्छा आंटी आपने तोते भी रखे हुए। ये हमारे जो तोते मेरे बेटे की पसंद है। अच्छा 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 तो वो सारी आंटी ये गांव में ना वैसे ये दीवारों पे जो ये नमी आ जाती है ना उसकी वजह से ये सारी जो है वाइट वॉश वगैरह ये उतर जाता है सारा। ये बड़े मसाइल हैं। ये फैमिली पिक्चर्स लगाई हुई है आंटी ने अपने घर पे। ऐसे ही खुश रखे और आबाद रखे इस घर को। फ्रिज है। अच्छा 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 सही सही। आप अपना कमरा तो दिखाएं। अच्छा ये आंटी की बड़ी बहू का कमरा है साथ में ये आंटी का कमरा है माशाल्लाह से। अच्छा जी वाह माशाल्लाह बड़ा साफ आंटी ने रखा हुआ है जी। ये आंटी का रूम है। यहाँ आंटी नमाज पढ़ती हैं माशाल्लाह से 5 वक्त की। लेकिन आजकल जो बारिश है और मानसून के समय में ये जो गांव में ना बहुत ज़्यादा मसाइल है इस तरह के जो है ना वाइट वॉश वगैरह उतर जाती है सारी। ये देखे दीवार ऊपर तक खराब हुई पड़ी है। ये है आंटी की। आंटी जब माशाल्लाह सेहतमंद थी अब तो कमज़ोर बहुत हो गई। ये आंटी की तब की तस्वीर है। वार्डरोब दिखाओ वो आपने। अच्छा यहाँ पे आंटी की ये ख़ास बात बहुत ज़्यादा है कि आंटी जो अपने कपड़े हैं बहुत तरतीब के साथ ये देखें इस्त्री करके प्रेस करके और उसके ऊपर माया शाया लगा के और आंटी जो है ना हैंग करके रखती हैं। और ये आंटी की आदत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें आंटी पहन आंटी से मैंने कहा इधर क्या है तो आंटी कह रही है इधर जो है ना मेरे कैजुअल ड्रेसेस वगैरह पड़े हुए और खिलारा मेरा पड़ा हुआ है। आंटी को बड़ा शौक है परफ्यूम्स वगैरह कलेक्ट करने का। और ये देखें ज़रा ये माशाल्लाह से आंटी जुनैदा की इतनी प्यारी तस्वीर है ये देखें। और साथ में ही उनकी छोटी बहू का ये रूम है से बच्चों वाले रूम जो है वो ऐसे ही होते हैं। ये देखें टॉयज़ वगैरह और सारा कुछ ये इनकी छोटी बहू का रूम है। चलें आंटी फिर हम रेसिपी साथ बनाते हैं ये ना हो के देर हो जाए। और सेब क्या हाल है आपके। ये भाई लड़का हमारा बहुत ज़्यादा शर्माता है और बहुत ही ढीला बच्चा है ये। अच्छा ठीक हो। अच्छा सही। अच्छा जी माशाल्लाह। ये हमारे सोफे बदलने वाले तब भी इधर पड़े हैं। अच्छा अच्छा ये है जनाब आंटी का स्टोर रूम। और यहाँ पे गांव में हमारे जो है ना ये पेटियाँ शेटियाँ इसी तरह दी जाती हैं और इसी तरह ही रखी जाती हैं सारे बिस्तरे वगैरह और हर चीज़ जो है ना ये इसी तरह ही सामान जो है वो रखा जाता है। और ये देखें ये शूज़ वगैरह बहुओं को जो सामान वगैरह है वो भी पड़ा हुआ है जी। हाँ जी रोला जी। कोई रोला नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है शेरी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा आज हम लोग शुरू से ही इनको ना शेरी भाई बुलाते रहते हैं। आज हम पूछ लेते हैं इनका सीधा नाम क्या है। शेरी भाई आपका क्या नाम है। मेरा नाम जाकर हुसैन जी। अच्छा वाह भाई वाह। ये भाई आंटी का खास बेटे हैं बने हुए और आंटी के हर काम में इन्होंने हेल्प करनी होती है और आंटी के 24 घंटे का राइट हैंड कह सकते हैं आप शेरी भाई को।
क्यों आंटी एवं गल है? ऐसा ही है। चले फिर किचन में हम चले। आज आंटी जो है ना अपने घर का किचन जो है, आंटी के दो किचन है, एक तो ये अंदर वाली साइड पे और एक बाहर वाली साइड पे। माशाल्लाह से आंटी को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और आंटी इसी तरह ही अपने किचन में कैबिन बनाए हर चीज़ रखती हैं। ये एक कैबिन मैं खोल के भी दिखाती हूँ। ये आंटी ने अपने स्पेशल बेकिंग के लिए ओवन रखा हुआ है और पिज़्ज़ा वगैरह हर चीज़ खुद शौक से अपने बच्चों को बना के ही देती हैं। अब हम ज़रा आंटी का जो है ना बस सही हो गया, बस ज़्यादा भी ना बारीक करो। अल्लाह दाने क्यों पहने? ये दाने नहीं पहने। ये आंटी की चीज़ है, लाइट ऑन करिए। हाँ करो। अच्छा सही तो हूँ आप इतने बनाना है। चलो ठीक। ये आंटी ने जनाब हमारा पूरा गांव का सिस्टम है, यहाँ पर हम लकड़ी पे ही कुकिंग करते हैं। आंटी वगैरह लकड़ी पे ही कुकिंग करती हैं माशाल्लाह से, और आज जो हम मीठी टिकियाँ बनाएंगे वो भी आंटी इसी पे ही बनाएंगी। ये जनाब जी हम तो इसे भड़ोले बोलते हैं, ये देखें माशाल्लाह से खूब ताले लगे हुए गंदम शंदुम और चावल वगैरह की फसल वगैरह इसी में ही हम लोग 6-6 माह के लिए रखते हैं स्टोर करके, और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। और आंटी जी बस हाँ अनिका, ये जी आंटी की बहुत ही प्यारी जो है वो पोती है अनिका। हाय हाय, ये मामा के साथ जाना चाह रही है लेकिन। हाँ जी अनिका देखिए। अच्छा 2 कप हमने मैदा लेना है। अच्छा अच्छा सही सही। अच्छा जी दो कप मैदा ठीक हो गया ऐसे सही। अब हमने 1 कप लेना है सूजी। अच्छा आप एक चीज़ की मेजरमेंट रख लीजिएगा ना आंटी। ये हमने सूजी ले ली ठीक हो गया। बादाम। अच्छा 1/2 प्याली बादाम सही हो गया। अच्छा अच्छा तिल भी 1/2 प्याली तिल है। अच्छा कोकोनट हो गया सही। और ये हमारे पास 1 प्याली पिसी हुई चीनी है सही हो गया। और बेकिंग पाउडर भी आप मीठा सोडा भी और सब्ज़ इलायची। अच्छा अच्छा चलें वैसे अंदाजे से ही डाल लें। अच्छा मीठा सोडा डाल दिया। अच्छा सब्ज़ इलायची जो है वो भी डाल दी। सही ये पीस ली थी हमने। अच्छा 4 चम्मच हमने घी डाला। घी हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा आंटी अमेजा तैयार हो गया। हाँ जी ना बेटा ये देखे अब उसको मैंने मुट्ठी में बंद किया। अच्छा अच्छा मुट्ठी में बंद किया सही सही हो गया जी जी। अब हम इसमें दूध डालेंगे ताकि वो दूध से ना जरा नरम भी हो जाएगा। अच्छा हाँ 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 फूल जाएगी सूजी जो है वो फूल जाएगी। हाँ अच्छा अच्छा बेहतरीन जबरदस्त। अच्छा वैसे मुझे अंदाज़ा तो था, मैं कहती थी कि हर चीज़ मिक्स कर देते हैं लेकिन नहीं, आज जो आपने बेसिक टिप बताई आंटी ने कि पहले घी को जो है अमेजे में मिक्स करने का वजह ये होती है कि जो फ्राई करते हैं तो ऑयल वगैरह या घी वगैरह बहुत कम इस्तेमाल होता है, मतलब ये जज्ब अपने अंदर कम करती हैं। अच्छा और वैसे भी ये नरम पड़ती हैं।
और जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी अपनी अलग बात होती है और उनके हाथ में जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का जो है कोई नेवल बदल नहीं है। अच्छा आंटी, कितना को दूध हम इसमें इस्तेमाल करेंगे? थोड़ा सा डालेंगे, आधा कप है। अच्छा अच्छा सही। निका जो है वो हमें कैसे तंग कर रही है, क्या हुआ, खानी है मिजेस हैं, दादू क्या बना रही हैं? सही, अब ये फूल गए ना जरा। अच्छा स्मूथ सा हो गया। अच्छा जा, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सब जरा गूंद लेंगे ना हम। अच्छा अच्छा, हम गूंद के इसको थोड़ी देर रखेंगे, फिर इसको गूंद लेंगे, गूंद के बाद इसको हम अच्छा बना लेंगे सही, ताकि वो मिक्स अच्छी तरह हो। अच्छा 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 ठीक हो गया। अच्छा कितनी देर इसको रेस्ट पे रखना है आंटी गूंदने के बाद? 10 मिनट। अच्छा उससे जो कसर रहती होगी वो भी सही हो जाएगी? हाँ वो जरा मिक्स अप हो जाएगी। अच्छा अच्छा सही। तो कुछ सूजी भी है, मैदा भी है। अच्छा अच्छा, उसने भी फिर अपना काम उन्होंने दिखाना है। सही ऐसे। अच्छा आंटी, किचन में हमारे लाइट कम है, हम ज़रा बाहर वाले चूल्हे पे इसको फ्राई करेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, हाँ आग वाले चूल्हे पे हम इसको फ्राई करते हैं। मौसम भी अच्छा हो रहा है, अंदर किचन में थोड़ी सी हब्स हो रही है, तो हमने कहा कि ना हम जो है फ्राई वगैरह इसको जो है वो हम बाहर वाले चूल्हे पे ही रखेंगे। अच्छा चले जी, हमने इसको कवर के साथ जो है वो ढाँप दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि इस आटे की जो है थिकनेस इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है ना हार्ड हो और ना इससे ज़्यादा पतला हो। ठीक है, आंटी हमारे साथ जो हैं खड़ी हैं और मैंने कहा कि चलें आपकी मैं हेल्प करवा दूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये रोटियाँ बेलेंगे। कोई भी साइज ले लेंगे, छोटा स्टील का गिलास ले लें या कोई कप ले लें, वो ले लें। जैसे मैंने ये एक डिब्बे का ढक्कन ले लिया है, ये हम ऐसे करते जाएंगे और इक्वल साइज की बनाते जाएंगे। इधर हमने ऑयल जो है वो रख दिया है गरम करने, घी मैंने रखा है, ऑयल नहीं। तो अब ये साथ जो है तकरीबन हीट अप हो चुका है और अब हम ये बनाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। अब हम आहिस्ता से जो बाकी वाला मेज़ा है उसे हम सेपरेट कर लेंगे और जो हमारी गोल टिक्की की शेप है उसे हम वैसे ही पड़ा रहने देंगे। ज़्यादा हमने इसको जो है वो मोटा नहीं किया, बिल्कुल जो है वो तकरीबन नॉर्मल साइज़ की है, ताकि जो है वो टिक्की फ्राई होती जाए और अंदर तक ये फ्राई हो जाए। चलें जी, ये है हमारी आंटी जुनैरा के बने हुए हाथों की टिक्कियाँ और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छी लगी हैं मुझे। आप आंटी ज़रा एक तोड़ के दिखाएं। अब हम किचन से बाहर आ गए लकड़ियों वाले चूल्हे पे और ये देखें अंदर तक तैयार हो चुकी हैं, ये देखें ज़बरदस्त और क्रिस्पी भी और बहुत टेस्टी भी, बिल्कुल मीठा भी बिल्कुल ठीक है और बहुत मुझे तो मज़ेदार लगी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रा ये आंटी से बात करें, आंटी आपसे। चलें आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम निकाल कर आपने मुझे आज ये रेसिपी अपनी सिखाई।
अनम के साथ बहुत अच्छा लगा। इसकी रेसिपी बनाइए, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, बेहतर करें। चलिए आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और आपने बहुत ज़्यादा अपना कीमती टाइम जो है वो मुझे दिया। इसी के साथ ही चलें जी, हम बाकी के जो है वो टिकियां बनाते हैं, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।